वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच, बिगेस्ट मैच ऑल टाइम रेसलमेनिया की, ये टैग दिया था WWE ने रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच को, टाइटल यूनिफिकेशन एंड चैंपियनशिप वर्सेस चैंपियनशिप, चैंपियन वर्सेस चैंपियनशिप, कितने टैग देते इस मैच को, लेकिन ये मैच खरी नहीं उतरी है मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी यही होने वाला है। भाई रोमन रेंस द न्यू अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं, यानी रोमन रेंस ये मैच जीत चुके हैं जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये मैच कौन जीतेगा कौन नहीं, प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल था, लेकिन क्यों रोमन रेंस को WWE ने ये मैच जिता दिया, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखना है एंड यहाँ पर क्या हुआ रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में, इन सारे वीडियो में आपको इस वीडियो में बताने वाला, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग WWE के अपडेट्स आपको आगे मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर ऐसा सीन होता है कि दोनों मैच शुरू करते हैं, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर जो है पहले ही गुस्से से होने वाले होते हैं, उनको ब्लड चाहिए रहता है, तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स लगा देते हैं, FI लगा देते हैं, लेकिन रोमन रेंस स्पीयर वर्सेस स्पीयर, भाई उनकी मैच आपको बताइए कैसी होती है, बेस्ट मैच होती है, लेकिन ये मैच बहुत कम टाइम में हुआ, यानी ये मैच लगभग केवल मुश्किल से 10-12 मिनट से ये मैच हुआ, जो कि बहुत छोटी थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम 15 से 20 मिनट का इनका मैच होगा, लेकिन इतना मैच नहीं हुआ। और यहाँ पर जो है कमोरा लॉक लगा देते हैं ब्रॉक लेसनर, और यहाँ पर उठाकर रोमन रेंस का शोल्डर यहाँ पर ये हो जाता है, एंड यहाँ पर रोमन रेंस जब आते हैं और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर रोमन को उठाते हैं FI के लिए, तभी रोमन रेंस वहाँ पर ब्रॉक लेसनर को स्पीयर देते हैं और यहाँ पर रोमन रेंस द न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई ये मैच का एंड ऐसे होगा, रोमन जीतेगा, हमें लगा ब्रॉक लेसनर जीतेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्यों रोमन रेंस को यहाँ पर WWE जितवा रही है। इसका यही कारण है कि ब्रॉक लेसनर एक पार्ट टाइमर है और रोमन रेंस फुल टाइमर है, कंपनी को आगे चलाना है, जो ब्लड लाइन है उनको एक स्ट्रॉन्ग दिखाना है, लेकिन भाई कितने दिन तक, 2 साल हो चुके ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग दिखाते दिखाते, लोग भी पक चुके, लेकिन क्यों जितवा दिया। इसका यही कारण है कि यहाँ पर इस मैच का टैग था वन WWE ऑल टाइम बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच, ये था बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच समझते, अगर ब्रॉक लेसनर को जितवा देते तो यहाँ पर रोमन रेंस के ऊपर थप्पा लग जाता जो थप्पा ब्रॉक लेसनर के ऊपर आज लगा है। लेकिन यहाँ पर एक सोचने की बात है, अगर ये थप्पा बदनामी ये मैच अगर रोमन रेंस हारते रेसलमेनिया का तो उन्हें क्या मुंह दिखाने लायक हो सकता है, क्योंकि आगे जो कंपनी WWE चलाने वाला है वो रोमन रेंस है। लगभग 10 से 12 साल अगर ये WWE कोई अकेले दम पर ले जा सकता है उस ऊंचाई पर जिस ऊंचाई पर WWE पहले थी, उस ऊंचाई रोमन रेंस ही है, और इतने बड़े स्टेज पर रोमन रेंस अगर हार जाते तो कितना बुरा हो जाता। आपको अगर इसकी स्टोरी बता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि डे वन पे, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि WWE यहाँ पर डे वन में ब्रॉक लेसनर को जितवा रही थी, एंड यहाँ पर जो है ना कि रोमन रेंस का जो विनिंग स्ट्राइक है वो तोड़ना चाहती थी, और यहाँ पर रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का एक और मैच करवा रही थी जहाँ पर रोमन रेंस जीतने वाले थे, एंड यहाँ पर वही होने वाला है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि रेसलमेनिया में यहाँ पर रोमन रेंस को जितवाया है, तो अगले एक और मैच होने वाला है जहाँ पर ब्रॉक लेसनर जीतेंगे और यहाँ पर विनिंग स्ट्राइक जो है रोमन रेंस की तोड़वा देंगे, यही होने वाला है यार। आगे क्या होने वाला ये तो मुझे भी मालूम नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी।